अभी भाजपा जिलाध्यक्ष भीलवाड़ा लाडू जी डेली के यहाँ आए हैं। अभी जो मुद्दा चल रहा है बांगड़ हॉस्पिटल को लेकर के, जिसमें आवंटन की पत्रावली जिला कलेक्टर महोदय द्वारा तलब की गई है, जबकि मामला संक्रमण को लेकर है। इस संबंध में अभी हम कोठारी नदी में भी गए थे, वहाँ पर हो रहे अतिक्रमण को भी दिखाया था। इस संबंध में हम जानेंगे भाजपा जिला अध्यक्ष से उनकी क्या राय है। देखिए, कोरोना भीलवाड़ा में जिस गति से और जिस स्थान से, जिस हॉस्पिटल से फैला, भीलवाड़ा राजस्थान ही नहीं दुनिया जानती है कि भीलवाड़ा को कोरोना का सेंटर बनाने का या बनने का एक श्रेय जाता है तो बांगड़ हॉस्पिटल को जाता है। और जहां तक आप ये कह रहे हो कि उसकी पत्रावली जिला कलेक्टर महोदय ने तलब की है, निश्चित तौर पर ये देरी से उठाया गया कदम है, लेकिन मैं सोचता हूं कि जब जागे तभी सवेरा, क्योंकि वर्तमान में प्रशासन राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है और जिले का जो प्रशासन है, ये भीलवाड़ा ही नहीं संपूर्ण राजस्थान में जो अधिकारी हैं, जिस दबाव में काम कर रहे हैं, ये कल्पना से बाहर की बात है। क्योंकि कोरोना महामारी जो वैश्विक महामारी है और ये मानवता की लड़ाई है, इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए, समान व्यवहार होना चाहिए, कानून की पालना होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश से मुझे कहना पड़ रहा है कि भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने जिस तरह से कोरोना को काबू पाने के लिए प्रारंभिक तौर पर जो कदम उठाए थे और सभी अधिकारियों में, सभी विभागों में जो तालमेल था, वो वर्तमान में भीलवाड़ा मॉडल को, मैं सोचता हूँ कि मॉडल नहीं, कि भीलवाड़ा मॉडल को बंडल करने में लगे हुए हैं और सभी लोग आपस में श्रेय लेने के लिए और भ्रष्टाचार पर उतर आए हैं। आज हम जब देखते हैं कानून व्यवस्था की बात करें, तो आज पुलिस वालों पर और मेडिकल कर्मियों पर हमले हो जाते हैं, दुर्व्यवहार हो जाता है और पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है। कोई मरने मारने की धमकी देता है पुलिस के सामने और उनको छोड़ दिया जाता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। और कहने के बाद, आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी जिस तरह की स्थिति बनती है, ये निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा तुष्टिकरण है। जिला प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिला कलेक्टर महोदय ने जो बांगड़ हॉस्पिटल की पत्रावली जो तलब की है, आज की तारीख में 45 दिन हो चुके हैं और 45 दिन के बाद जिला कलेक्टर महोदय द्वारा फाइल को तलब करना, वो भी आवंटन की, और आज के 5-6 दिन पहले इन्होंने एक कमेटी बनाई थी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये कितनी कमेटी बना लें, कि कितनी पत्रावली तलब कर लें, ये कांग्रेस के नेताओं की आपसी लड़ाई है। कोई भी जिला कलेक्टर, कोई भी इस कमेटी का सदस्य इसकी निष्पक्षता से जांच कर ले, मुझे तो आज के समय में कोई संभव नहीं लगता है। फिर भी मैं तो चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि भीलवाड़ा की 20-24 लाख की जनता को जो पिछले 1.5 माह से जिस संकट का सामना करना पड़ रहा है, और उसकी जाँच होगी तो भीलवाड़ा के हर नागरिक को तसल्ली होगी और सरकार पर और अधिकारियों पर विश्वास कायम होगा। लेकिन इन अधिकारियों को हिम्मत दिखानी चाहिए इस बात के लिए कि हमने वास्तव में जांच की है, लेकिन आज जो दबाव इन पर बनाया जा रहा है, दबाव जो चल रहा है प्रशासनिक अधिकारियों को, कमेटी बनाने के अंदर 1.5 महीना लग गया है। आज पत्रावली जो है ना, जांच करनी चाहिए कि बांगड़ हॉस्पिटल में क्या किस तरह की कमी रही, क्या उनकी लापरवाही रही, क्या उनके कारण कोई कोरोना फैला क्या, बजाय इसके आवंटन की फाइल तलब की जा रही है। मैं सोचता हूँ आवंटन से लेके सब तरह की जांच हो, लेकिन जल्दी हो, ताकि भीलवाड़ा का जो जनमानस है उसके बारे में जो एक धारणा बना चुका है, वो उसकी स्पष्टता हो सके। जिस तरीके से इस बांगड़ हॉस्पिटल की आवंटन की फाइल मंगाई गई, आप हमसे बड़े हैं, तजुर्बेदार हैं, तो ये आवंटन जो हुआ था ये पहले किसी और संस्था को हुआ, इस बारे में आप क्या बताएंगे? ये सब जानते हैं, भीलवाड़ा के अंदर भूमाफिया कितने सक्रिय हैं,
किस तरह से आवंटन संस्थाओं के नाम पे किया जाता है और संस्थाओं से फिर एक संस्था से दूसरी, दूसरी तीसरी संस्थाओं के सदस्य, डायरेक्टर, अध्यक्ष, सचिव, सदस्य सब बदल दिए जाते हैं और उसके बाद में मालिक कौन होता है, आवंटनधारी कौन होता है और बाद में कौन बन जाता है, ये सब भूमाफियाओं का खेल है और इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होता है। आवंटन से लेकर सदस्यों को मनाने से लेकर उन लोगों को अनुमति देने से लेकर आज बहुत सारी चीज़ें हैं और इस चिकित्सालय में भी कई चीज़ें रही हैं, तो उनकी सबकी जांच होगी तो दूध का दूध तो पानी का पानी हो जाएगा। आपके हिसाब से ये नेताओं के आपसी झगड़े का कारण है, तो आपके हिसाब से क्या प्रशासनिक स्तर पे जांच को किसी और को देनी चाहिए? देखिए, आज हर काम राजनीति से प्रेरित होकर हो रहा है। कोई भी अधिकारी ये नहीं कह सकता है राज कानून का है लेकिन मैं कानून के अनुसार निष्पक्षता से कार्य कर रहा हूं। इसलिए ये जांच के 1.5 महीने बाद कमेटी का बनाना, पत्रावली को तलब करना, फिर उसमें कौन कौन सदस्यों को लेना, ये अपने आप में साबित करता है कि प्रशासन निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है, निर्भीकता से काम नहीं कर रहा है, बहुत ही दबाव के रूप में काम कर रहा है। इसलिए कोई भी जांच इतने बड़े अधिकारी को, उस स्तर के अधिकारी को तो देनी चाहिए, चाहे उसमें सीनियर RS हो, चाहे कोई IAS हो, जो उस कमेटी के बारे में और अपने अधिकारों के बारे में और जांच के बिंदुओं को समझकर वो निर्णय ले सके और अपनी ओपिनियन दे सके। तो देखा आपने, भाजपा जिला अध्यक्ष लादू जी ने ये बात कही है, इन्होंने एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी प्रशासनिक स्तर पर लगाया है कि जो अभी जांच कमेटी लगी है इनके कहने का तात्पर्य जहाँ तक हम समझते हैं यही है कि ये इनकी जांच करने में समर्थ नहीं है। कोई सीनियर IAS या RS इसकी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में आए और संपूर्ण जांच करें। मैं भिलवाड़ा लोकवाणी से नवीन जोशी संपूर्ण टीम के साथ। हमारे साथ अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें भिलवाड़ा लोकवाणी ऐप और सब्सक्राइब करें भिलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।